हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रीति ब्यूटी स्टेशन। और कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स जो कि नए हैं मेरे लिए और मैंने ट्राई किए हैं इसे अमेजोन से लेकर, और काफ़ी चर्चे में भी हैं ये मेकअप प्रोडक्ट्स। कहीं इन्फ्लुएंसर से मैंने सुना है तो कहीं मैंने देखा है, तो इन्हें मैं ट्राई करना चाहती थी इसलिए मैंने लिया। और चलिए देखते हैं कि मेकअप प्रोडक्ट कौन से हैं और अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इसे लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले जो है मैंने लिया है वो है ये स्विस ब्यूटी का, बहुत ही ज़्यादा चर्चे में था ये लाइनर कुछ महीने हो गए, 6-7 महीने। होलोग्राफिक आईलाइनर, मल्टी क्रोम इफेक्ट ये देता है और ये कुछ इस तरीके का आईलाइनर है। आप देख सकते हैं ये जो है मैंने लिया है नेबुला 04, और आपको ये जो है लाइनर इस तरीके का मिलता है। आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे है, और मैंने इसे अपने आईज के इनर कॉर्नर पे यूज किया। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ये हाईलाइट हो रहा है। तो अगर आप पूरे आंखों पे नहीं यूज करना चाहते हैं या फिर आप पूरा एक बोल्ड आईलाइनर लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है, और आप इस तरीके से भी यूज करते हैं तो काफी अच्छा लगता है। तो मुझे काफी काफी पसंद आया ये। इसमें 449 है, पर ये इससे कम प्राइस में ही आपको मिल जाएगा। एक्चुअल प्राइस में यहाँ मेंशन कर दूंगी या फिर आप लिंक चेक करेंगे तो लिंक में आपको एक्चुअल प्राइस दिख जाएगा तुरंत ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये जो है काफी अच्छा है और आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं अगर आप ड्रामेटिक लुक क्रिएट करना चाहते हैं या फिर आप सोबर लुक भी रखना चाहते हैं तो इस तरीके से कहीं ये हाईलाइट करने के लिए काफी अच्छा है। मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि मैं पूरा लाइनर तो नहीं लगाना चाहती बट मैंने इस तरीके से इसे लगाया तो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। सेकंड जो प्रोडक्ट है वो है रेने का हाइपर जेल नेल पेंट, और 149 का ये है। मैंने ये कलर लिया है, आप देख सकते हैं ये है कलर, जो है शेड नेम है मोका ब्राउन है, और ब्राउन शेड मुझे चाहिए था तो मैंने अपने हाथों पे अभी यूज़ भी किया है। काफ़ी अच्छा शाइनी और अच्छा जेल नेल पेंट है ये भी, और प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है। तो मैं ये कहूँगी कि आप इसे भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। रेने का जो है मेकअप प्रोडक्ट मैंने ट्राई किया है पर नेल पेंट अभी तक ट्राई नहीं किया था, तो इसलिए काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। इसके बाद जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है ये जो है ये है स्टिकअप एंटी फ्लाई अवे हेयर वॉन्ड है। ये मेरा जो है काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है अभी और मेरे जो बाल हैं काफ़ी बेबी हेयर ऐसे दिखते हैं ऊपर, तो इसलिए मैंने इसे मंगाया है। ये मस्कारा टाइप का है, इस तरीके का वॉन्ड है। आप जो है जहाँ भी आपके फ्लाइज दिख रहे हैं आप इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं तो वो स्टिक हो जाते हैं और आपको एक जो है स्लीक लुक ये देता है। तो अमेज़ॉन पर ये भी मुझे दिखा और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो मस्कारा अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट मस्कारा से जो ब्लैक ब्लैक मस्कारा निकल के कहीं भी लग जाता है तो थोड़ा मैसी हो जाता है। ये आपको क्लीन लुक भी देगा और ऐसा भी डर नहीं है कि कहीं लग जाएगा फेस वगैरह पे या यहाँ पर, तो इसलिए आप इसे ले सकते हैं। और ये भी काफ़ी अच्छे रेट में आपको मिल जाता है, 250 का आई थिंक है ये, या फिर एक्चुअल रेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये भी आप ले सकते हैं अगर आप बिल्कुल स्लीक लुक चाहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा फ्लाई अवेज आपके हैं, बहुत ज़्यादा बेबी हेयर आपके रहते हैं जो कि बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा दिखते हैं, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया। तो इसके बाद फोर्थ जो है वो है ये रेने का मिड नाइट कोल पेंसिल काजल, और ये काजल जो है मैं आपको कहूँगी बहुत ही ज़्यादा जेट ब्लैक देता है आपको, बट आपको ये ध्यान देना है कि इसे लगाते ही तुरंत अगर आप इसे इस तरीके से स्मच करेंगे तो ये फैल जाएगा। स्मोकी लुक क्रिएट करना तो आप ये कर सकते हैं बट अगर आपको बिल्कुल ही स्मच फ्री लुक चाहिए तो इसे अप्लाई करने के बाद आपको इसे 1 मिनट तक छोड़ देना है और उसके बाद आपको ये स्मच फ्री लुक देगा। आप देख सकते हैं कि मेरे आईज पे मैंने इसे ही अप्लाई किया है, काफ़ी अच्छा जेट ब्लैक ये लुक देता है और काफ़ी अच्छा लग रहा मुझे ये पेंसिल भी, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। बस इसे अप्लाई करने के बाद आप थोड़े से टाइम के बाद इसे स्मच करें, अदरवाइज ये स्मच हो जाता है, और थोड़े टाइम रहने के बाद जब आप इसे इस तरीके से स्मच करेंगे 1 मिनट बाद तब ये स्मच नहीं होता और काफ़ी जेट ब्लैक है, अच्छे से लुक के देता है, तो ये आपको ध्यान देना है। बाकी इससे जो है आप लाइनर वगैरह अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है। फोर्थ जो ब्यूटी प्रोडक्ट मैंने ट्राई किया है वो है ये मार्स का कैंडी क्रश कैंडीलिशियस लिप ग्लॉस। ये एक लिप ग्लॉस मैंने ट्राई किया है जो कि है 01, और ये लिप ग्लॉस मैंने अपनी लिपस्टिक पे भी ट्राई किया है पर यहाँ पर आप मुझे देख सकते हैं अप्लाई करते हुए मैंने ऐसे लिप्स पे अप्लाई किया, तो इसका कौन सा कलर है और ऐसे लगाने में बहुत ही अच्छा
इतना अच्छा ये लिपस्टिक के साथ लगता है, बहुत ही अच्छा लुक देता है लिप ग्लॉस की तरह। तो ये भी काफी अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, 250 रुपये में आपको ये मिलेगा। पैकेजिंग भी काफी अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आया। इसके बाद जो प्रोडक्ट है वो भी मार्स से ही है, मार्स का ये लिपस्टिक है 21 पॉप ऑफ, और ये बहुत ही अच्छा ब्राउन शेड है जो कि हर इंडियन स्किन टोन पे काफी अच्छा लगेगा। फेयर स्किन है तो थोड़ा सा डार्क लगता है, तो ये जो है सारे ही स्किन टोन पे काफी अच्छा ब्राउन शेड लगेगा, और ये भी मुझे काफी अच्छा लगा। 21 पॉप ऑफ है ये, इसका जो प्राइस है वो है 249, और काफी अच्छा मैट कलर देता है ये आपको। तो ये इस तरीके का है और आप देख सकते हैं कलर, ये है लेमल का प्रोफेशनल मेकअप आई शेडो है ये, और लॉन्ग लास्टिंग मैट फॉर्मूला है। आप मुझे मेरे आईज पे देख सकते हैं, इसको जो है थोड़ा सा डॉट करके आप ब्रश से फटाफट से ब्लेंड कर सकते हैं क्योंकि ये सेटल बहुत जल्दी हो जाता है, या फिर आप फिंगर से ही इसे यूज कर सकते हैं, तो स्मोकी आई वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। मेरा जो शेड है वो 403 सेवेज है, और ये इस तरीके की कुछ पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं। इसे आप कैरी भी कर सकते हैं कहीं अगर जाना चाहते हैं ट्रेवल वगैरह पे, ये कुछ इस तरीके का कलर है। तो आप जो इससे स्मोकी लुक क्रिएट कर सकते हैं काफी अच्छे से, और ये दो तीन शेड में आता है, ब्राउन भी है, तो आप जो चूज करें वो ले सकते हैं, और मैंने ये वाला लिया है। तो ये भी मुझे काफी अच्छा लगा कि मतलब आप इसे पर्स में रख के कहीं भी कैरी कर सकते हैं अगर एक साइड आई शेडो आपको चाहिए तो। तो फ्रेंड्स यही सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने ट्राई किए हैं, मुझे काफी अच्छे लगे हैं, मैंने अपने फेस पे भी इसे ट्राई करके दिखा दिया आपको। लिप ग्लॉस बहुत ही अच्छा है, जरूर ट्राई करें। आईलाइनर भी मुझे काफी अच्छा लगा स्विस ब्यूटी का। आई शेडो भी जो है आप ब्राउन शेड में या ऐसे आप स्मोकी आई क्रिएट करने के लिए ले सकते हैं। इसका काजल भी जो है काफी जेट ब्लैक और बहुत ही अच्छा लगा, और जैसा कि मैंने बताया कि आप तुरंत स्मच करेंगे तो स्मच भी हो जाता है, और नेल पेंट भी काफी खूबसूरत है आप देख सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत ही अफोर्डेबल हैं और बहुत ही अच्छे ब्रांड्स हैं, मतलब बहुत ज्यादा आपके पैसे भी इन्वेस्ट नहीं होंगे और बहुत अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी। तो इन सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चेक करना ना भूलें। और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। अगर ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।